वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई नेम इज़ जसदीप कौर, पीपल नो मी बाय द नेम ऑफ कैनी गोगिया ऑल्सो। आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टूडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु अमरदास जी इन राग सोरठ अंग 651 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। लेट्स रीड इट, अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। रे जन थारे दबियो सुतिया गई विहाय, सतगुरु का शब्द सुन न जागियो, अंतर न उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बहारा, जो गुर कार न कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं हो में दूजे पाए। नानक गुर सरणाई, उबरे सच मन शब्द त्याए। विच मीन्स, O human, your heart pressed by your own hands in nightmare. You have passed your life in fearsome sleep. You did not wake up hearing the Guru's Shabad, nor did any inspiration emerge from within your mind. That corporeal body burns even when living, which is devoid of virtue and which does not even serve Guru preceptor. I have seen that world is smoldingly burning in egotism and captive love of duality. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Various issues, they start from the family to the society to the country to the world. Har pas se is tarah lagda hai jis tarah ek fire hai jehdi saryan nu jala degi. Inna sara ajkal te social media te inne sare कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, कि एक बंदे नू बदनाम करी जाना, या इन्ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज दे क्लैशेस, मीडिया सानू होर दिखा दिखा के साडा माइंड एकदम कंडीशन कर दिता। यू नो देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल इशूज जिहदे विच एक दूजे दे ओपिनियन दे रिस्पेक्ट ही नहीं असी करदे। और फिर जदों असी सोचिए कि इज देयर एनी अदर वर्ल्ड जिथे इन्नी ईगो नहीं है, जिथे इन्ने सारे क्लैशिज नहीं ने, कि वो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है? और असं सोचते हैं नो, ये इस तरह ही चलता है, दिस इज़ हाउ इट इज़। और कुछ कुछ लोग तो इतों तक भी कहते हैं कि अगर यह सब ना हो ना तो दुनिया विच एक रोचक लाइफ रहे ही ना। मे बी तो इस करके, बिकॉज वी हैव नेवर एक्सपीरियंसड द काइंड ऑफ वर्ल्ड where there is lot of love, devoid of ego, lot of respect for each other, peace around. असी उस तरह का वर्ल्ड कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम में तो असी इस तरह की लाइफ कभी एक्सपीरियंस नहीं की। जे असी हिस्ट्री पढ़िए तो भी सानू इस तरह की लाइफ कभी नहीं मिली। सो दैट इज वाई सानू लगता है कि दिस इज़ द रियलिटी, द वे वी आर लिविंग, द वे वी आर डीलिंग विद डे टू डे इशूज, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द वे वी आर बाउंड टू लिव। और फिर असी इसी चीज़ नू इंजॉय करना शुरू कर दें, इसी चीज़ नाल सैटल होना शुरू कर दें। असी ये भूल जाने कि एक इस तरह की भी लाइफ हो सकती है वेयर देर इज़ जॉय, देर इज़ लॉट ऑफ फन, देर इज़ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देर इज़ लॉट ऑफ लव विद इन आवर सेल्व्स। So can we imagine such a world and can we bring such a world in practicality? सुते सुते लगता है कि कोई कोई चीज़ प्रेस कर रही है, कोई माइंड साडा एकदम बॉगल हो गया और असी उसी फीयर ही सौने, फीयर ही जगते हाँ। कभी वो फीयर परमानेंट होंगे, कभी किसी चीज़ को लेके फीयर होंगे, हर टाइम साढ़े अंदर एक डर रहा है, द फीयर ऑफ अनसर्टनिटी, the fear of losing someone, the fear of losing the wealth, the fear of losing the health. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਇੰਡ ਬੋਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇੰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਔਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਔਰ ਮਾਇੰਡ। Then the unhygienic or the unhealthy food,
अनहाइजीनिक तो मैं नहीं कहूँगी, रादर अनहेल्दी फूड जिहड़ा असी कंज्यूम करते हाँ, जिहड़ी साडी बॉडी नूं बड़ा लेजी बना दिंदा है, और उहदे नाल आई मीन वी इंडल्ज इन एक्सट्रा स्लीप और लेथार्जी आ जाती है, एंड उस तरह ही साढ़े फिर माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन फिर कम करती है, उस तरह ही साडा माइंड वर्क करना शुरू करता है। अगर माइंड इज कोई प्रॉब्लम है दैट विल इंपैक्ट द बॉडी, और अगर तुसी बॉडी विच जो भी तुसी कंज्यूम करोगे उस नाल तुहाड़ी बॉडी विच कुछ रिएक्शंस होंगे दैट विल अल्टीमेटली इंपैक्ट द माइंड। माइंड विच एक बहुत सारी लेजीनेस आ जाएगी, लगेगा कुछ करन ते दिल नहीं कर रहा, एंग्जाइटी हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, टू स्लीप वेल एंड टू बी हैप्पी एंड जॉयफुल। ना वो असं किस तरह रह सकते हैं, वो असं इस तरह रह सकते हैं वैन वी मूव फ्रॉम कंपलसिव स्टेट ऑफ एक्शन टू कॉन्शियस स्टेट ऑफ एक्शन। की खा रहे हैं असी सोचिए, किस तरह की कंपनी रख रहे हैं वी नीड टू थिंक ऑफ, किस दे नाल असी ज़्यादातर दिन गल करते हैं, किस तरह असी काम करते हैं, किस तरह असी अपने घर की रहनी सहनी करते हैं, वी एक्चुअली नीड टू थिंक ऑफ। मीन्स जे असी किसी के पिछे ना पै के दैट इज़ कंपलसिव स्टेट ऑफ एक्शन द वे दिस वर्ल्ड इज़ डूइंग, वो ही सच है। उसनू ना इस तरह मन के असी अपने माइंड नाल सोचिए कि आर वी डूइंग द थिंग्स दोज आर टेकिंग अस टू द हायर लैवल, असी साडी लाइफ जिहड़ी अपग्रेड हो रही है, असी की वो चीज़ा कर रहे हैं। पर वो करन वास्ते वी नीड टू अंडरस्टैंड गुरबाणी, गुरबाणी नू समझो फिर उसनू लाइफ विच इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड गुरुज शब्द बिकॉज गुरबाणी गाइड्स अस, इट्स अ गुरु। और अगर अगर सानू मेंटोर भी चाहिए है, असी मेंटोर भी अपने एक अपना मेंटोर बना सकते हैं, किसी कोच बना सकते हैं, अगर साढ़े को आप ठीक तरह के एक्शंस नहीं ले जा रहे, बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड गुरबाणी एंड दैन अल्टीमेटली इंप्लीमेंट इट। इन सारिया ब्लैसिंग्स ने, दिस मीनस कि साढ़े को एक कड़ा है, अगर असी उस कड़े को पुट्ठा करके रखा तो ब्लैसिंग्स किस तरह अंदर जाएगियाँ, अगर असी उस कड़े को टिल्ट करके रखा तो वह जिमें होंगे ना वाछड़ जिन्हों कहते हैं, बारिश आई थोड़ी जी ड्रिजलिंग हुई, सो उन्हीं को ब्लैसिंग्स अंदर जाएंगी। जे असी उस कड़े को बिल्कुल खुला रखांगे तो बहुत सारिया ब्लैसिंग्स अंदर जाएंगी। सो वी नीड टू एक्चुअली यू नो कीप द पॉट ओपन, उसको उपर पूरा खुला, और उदो ही पॉसीबल है जो असी गुरु के शब्द को फॉलो करांगे। वैन वी फॉलो इट वी इंप्लीमेंट इन आवर लाइफ, इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। सो अज एक प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम कंपल्सिव स्टेट ऑफ एक्शन टू कॉन्शियस स्टेट ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कीप योर पॉट ओपन सो दैट ब्लैसिंग्स नालों भरिया जाए। अज इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, दैन शेयर योर एक्सपीरियंसिस विद मी। टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।